आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बात। नमस्कार, भारत प्लस में आपका स्वागत है। आप अगर फिल्मों के शौकीन हैं और बहुत समय से आपने कोई अच्छी फिल्म नहीं देखी है और आप चाहते हैं कोई अच्छी फिल्म देखना, तो आज मैं बताने जा रहा हूं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो आपको बेहद पसंद आने वाली है। जी हाँ, कागज फिल्म, जो कि आपको गुदगुदाएगी, हंसाएगी, साथ ही साथ हमारे देश की कानून व्यवस्था की पोल भी खोलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, उसकी कहानी सीधी सिंपल कहानी है, लेकिन आपको बेहद पसंद आने वाली है। बहुत अरसे बाद निर्देशक सतीश कौशिक कोई ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो बेहद पसंद आने वाली है। इस फिल्म को सलमान खान ने प्रेजेंट किया है। अगर इस फिल्म के कलाकारों की बात करें तो पंकज त्रिपाठी, मोनल गज्जर, मीता वशिष्ठ, सतीश कौशिक और अमर उपाध्याय हैं। कहानी की बात करें तो कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। एक कागज यानी प्रमाण पत्र हासिल करने की है, लेकिन इसे हासिल करने के दौरान लेखपाल से लेकर मुख्यमंत्री तक में हलचल मच जाती है और सिस्टम की परत दर परत पोल खुलती जाती है, पर असल विलन कागज ही होता है। कहानी के अनुसार भरतलाल के चाचा चाची उसे मरा हुआ घोषित करवा कर उसकी जमीन हड़प लेते हैं। भरतलाल कागज पर जिंदा होने के लिए लेखपाल से लेकर कोर्ट कचहरी तक के चक्कर काटता है, लेकिन काम बनते ना देख वह तरह तरह की तरकीब लगाता है और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयत्न करता है। हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है। उसके संघर्ष भरे सफर में उसकी पत्नी, प्रेस रिपोर्टर, विधायक असरफी देवी और उसके जैसे पीड़ित तमाम लोग मृतक संघ बनाकर उसका साथ देते हैं। भरतलाल का विवश होकर उठाया गया नाटकीय कदम एक तरफ गुदगुदाता है तो दूसरी तरफ सिस्टम की लाचारी और लापरवाही के प्रति रोष भी जाहिर करता है। अगर पंकज त्रिपाठी की बात करें तो पंकज त्रिपाठी लीड रोल में पहली बार नजर आए हैं और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने बहुत ही खूब निभाई है। डायलॉग की बात करें तो डायलॉग दिलचस्प हैं और उसकी डिलीवरी सही अंदाज में की गई है। वहीं भरतलाल की पत्नी रुक्मणी बनी मोनल गज्जर की अदाकारी भी बेहद खूब नजर आई है। सतीश कौशिक फसादी वकील साधु राम केवट के किरदार में गुदगुदाते हैं तो मीता वशिष्ठ और अमर उपाध्याय का काम भी सराहनीय है। फिल्म के अंदर सलमान खान की आवाज भी बीच बीच में सुनाई देती है, जो सारगर्भित लगती है। कहानी को जीवंत बनाने में लोकेशन का भी बहुत बड़ा योगदान है। खेत, बाग, स्कूल से लेकर दफ्तर हो या अदालत, सारे लोकेशन कहानी के मुताबिक सच्चे लगते हैं। और पूरी फिल्म की बात करें तो पूरी फिल्म बेहद ही शानदार, मजेदार है। इसे हास्य और सामाजिक मुद्दे में रुचि रखने वाले दर्शक जरूर देखें। मेरा दावा है कि आप बोर नहीं होंगे और इस फिल्म को बार बार देखना पसंद करें। मनोरंजन जगत की ऐसी जानकारियों के लिए आज ही आप हमारे चैनल भारत प्लस को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बात।